इस साल मानी बुजर्ग दुनियाम दिवन वाले दिल किसानस नशा खुमारे जीस्त है यानि सोई हुई जिंदगी। जागती हुई जिंदगी के मुकाबले में सोई हुई जिंदगी ऐसी है जैसे बेहोश इंसान होशमंद इंसान के सामने। और इस स्कूल में ये प्रोग्राम आज मनक़द करना ये हमारे लिए काफ़ी सआदत का बाइस है। मैं डीएसपी साहब का, डीआरआईज़ का, डीडीसी काउंसिल का दिल की अमी गहराइयों से इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। 100 साल की सोसाइटी है, आप ही हमारे डॉक्टर्स हैं, आप ही हमारे इंजीनियर्स हैं, आप ही हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, आप ही हमारे टीचर्स हैं। ने इतना अच्छा एलिब्रेट किया यहाँ पे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे हमारे पास अभी आ रहा है कि ड्रग्स, ये ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हमारे पास अल्कोहल है, सिगरेट है या बाकी जो चीजें हमारे पास है ड्रग्स, ये it's a problem that directly impact the structure and functioning of the brain causing great damage aur beshmar qism ki bimari ko janm deta hai। science ki tehqiqat ne ye baat sabit kar di hai ki cigarette peene walon ko aksar tadad dil ki bimariyon mein mubtala ho jati hai। denial mode se bahar aana hai, ye drug ki bimari ek aisi bimari hai jo kisi bhi ke sath ho sakta hai, koi bhi bachcha jawab isme aa sakta hai। wafa tune to hum tere hai कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। Addiction has become a worldwide problem, especially in teenagers. Drug addiction refers to taking substances that are harmful to our bodies. वो कर रहा अपना सब बरादरी भाई और बरादरी मजबूरी आपको ये कब गए होया होया कहते हैं आप मोल पनिस बचत स्कूल सोजान, लेकिन स्कूल के बजाय ड्रग्स आसा करान। इसके बावजूद कश्मीर के तमाम पेरेंटन गुजारिश करान जे तुम थावन पनिन बचन पर खास ख्याल। मैं आपको इतना बताऊंगी कि जो बंदे अब इस चीज में आ चुके हैं, इस डिजीज में, इसको हम ब्रेन डिजीज ही आप कहते हैं क्योंकि ये साइकोलॉजिकली एक ब्रेन डिजीज है जिसमें एक बंदे को कंपल्शन होता है। फर्स्ट डोज लेने से ही कंपल्शन स्टार्ट हो जाता है इस चीज को बार बार करने के लिए, ताकि उसको वो प्लेजर मिले, वो हाई मिले, जो उसको सुकून मिले, दैट इज टेम्पररी एंड वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। हर किसी की मतलब हर किसी की निशानदेही करे हमारा कोई मुलाजिम या हमारा कोई और मुलवस मध्य इस लत में, ताकि हम उसको बचा सके। बच्चन युस वबा मगर अस पे कोशिश कर सान माल माजन शाम पन्न बच्चन लेसन दिन पत् वन फल्स बना पेरेंटन पत् वन मोन बच मे गलत अंदस कुन लोगमुत। इसके खिलाफ जो ये ड्रग्स, जो ये नशा फैला हुआ है, इस पर प्रोग्राम देते हैं हमारे बच्चे। पुलिस हेडक्वार्टर गांधरबल, इस ड्रग मिनेस ने, जैसे कि अशोक साहब ने भी बताया, बीडीसी साहब ने भी बताया, इट इज वेरी ट्रू दैट कोई भी इंसान शायद इस पर इससे बच नहीं पाएगा, ये हमारे दरवाजों तक पहुंच चुका है। प्रोग्राम को थैंक यू मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं वाकुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। आज जो यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़द हुआ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल पुलिस की तरफ से, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है,
ड्रग अवेयरनेस के खिलाफ, और बहुत ज़रूरत है इस समाज को इस प्रोग्राम की। ये हर इंसान को चाहिए कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, और हमारी कोशिश ही यही रहनी चाहिए कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करें। और हम शुक्रिया करते हैं इस गुलाम हसन साहब को कि उन्होंने आज हमारे स्कूल पे ये प्रोग्राम मुनक्कद किया। और मैं ये शेर कहना चाहता हूँ कि बुआ जी ने नश का रगजा कश्मीर के गुलाला, बुआ जी ने नश का रगजा कश्मीर के गुलाला, ऐज तुख तिशी सवाला सेह तुख तिकर ख्याला, बुआ जी ने नश का रगजा कश्मीर के गुलाला। थैंक यू सर। मेरा नाम शहनाज अहमदीन है और मैं BHS ड्राफ्ट में पढ़ती हूँ। आज यहाँ पे वाकुरा में प्रोग्राम था ड्रग एडिक्शन पे, तो मुझे इसमें टॉपिक था, तो इसका यही मतलब था कि हम दिन ब दिन मतलब कोशिश करें कि एक तो नशे से दूर रहना चाहिए, और जो गांधरबल पुलिस है उसके हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया और आइंदा ऐसे प्रोग्राम करते जाए ताकि जो नौजवान नस्ल है वो इस बीमारी से बच सके।